नमस्कार। जो हमने परसेंटेज की शुरुआत करी थी पिछली वीडियो में, आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पिछली क्लास में पढ़ लिया था। देखिए, सबसे पहला था उसमें कि हाउ मच परसेंट इज 8 of 10, मतलब 8/10 का कितने प्रतिशत है, 8/10 का कितने प्रतिशत है। तो किसका पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट इज 8 of 10। तो बेस किसको बनाएंगे, आधार किसको बनाएंगे, 10 को, क्योंकि 10 का पूछ रहा है। तो सीधा करेंगे 8/10 और गुणा 100। ये आपको पता चल गया था कितना आ जाएगा, 80% है, ठीक है ना। ये 80% है 8/10। जिसका पूछा है उसको अपॉन में ले आते हैं, जैसे कि 10 8 का पूछा है तो 10/8 और इनटू 100, ये इसका आंसर हो गया। तो हाउ मच परसेंट इज 10 of 8, 8 का पूछा तो अपॉन में चला जाएगा। 8 का कितना बेस कौन बनना है, देखिए आधार किससे पूछा, 8 का, इसमें पूछ रहा था 8/10 का, तो आधार क्या बनेगा, 10, जिसके आगे का लगा हुआ है, और इसमें पूछा 10/8 का, तो बेस क्या बनेगा, 8। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखिए, हाउ मच परसेंट इज 10 greater than 8, तो 10 8 से कितने प्रतिशत है, देखिए तो किससे पूछ रहा है, 8 से। तो मैंने बताया था जब कितना परसेंट अधिक होता है तो दोनों का अंतर, तो 10 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का। हाउ मच परसेंट इज 10 greater than 8, और बेस क्या है यहाँ पर, 8, किससे अधिक पूछा है, 8 से, तो 2/8 × 100, ये इसका आंसर हो गया। हाउ मच परसेंट इज 8 less than 10, तो वही सेम प्रोसेस, दोनों का अंतर, कितने परसेंट कम पूछ रहा है, दोनों का अंतर, और बटे किससे पूछ रहा है, 10 से। बेस किसको लेंगे इस बार, 10 को, लेस देन 10, यहाँ पर देन के बाद, यहाँ पर देन के बाद 8, यहाँ ऑफ के बाद 10, इस तरीके से लिया जाता है। यहाँ पर 10, तो 2/10, तो कितना आ गया यहाँ पर, 200, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आपको बता, इस तरीके से हमने देखा कि हाउ मच परसेंट इज 8 less than 10, 8/10 से कितने प्रतिशत कम है, तो दोनों का डिफरेंस, जब भी कम पूछे कितने प्रतिशत कम है, कितने परसेंटेज ज्यादा, ग्रेटर देन और लेस देन, तो दोनों का अंतर, बट कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा हो, जिसके रेफरेंस में पूछा हो, 10 से 8 से 8 का इसका, ठीक है ना। तो दोनों का अंतर बटे, इसमें अंतर नहीं लेना है, सीधा पूछा है इसमें हाउ मच परसेंट इज 8 of 10, इसमें ग्रेटर और लेस नहीं पूछा, इसलिए सीधा जिससे पूछा है, जिसका पूछा उसको नीचे ले जाएंगे, जैसे कि इसमें 10 का पूछा तो 10 को नीचे, इसमें 8 का पूछा तो 8 को नीचे, ठीक है ना। अब देखिए, किसी संख्या में प्रतिशत वृद्धि कैसे होती है, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एनी नंबर कैसे होता है, जैसे कि कोई संख्या आए, मान के चलो 180, उसमें हमें 20% की वृद्धि कर दी, तो क्या हो जाएगा, 120/100। ये फॉर्मूला है 100+% / 100, मतलब जैसे 20% की वृद्धि तो 120/100, 30% की वृद्धि, बहुत से बच्चे मैंने देखा है 180 में 20% की वृद्धि, तो 180 का 20% निकाल लेते हैं भैया, 180 का 20% नहीं, 20% इंक्रीमेंट निकालना है, मतलब 100 का कितना हो गया, 120। मैंने बताया था आपको 100 का कितना हो गया, 20% इंक्रीमेंट, मतलब 100 का 120, तो 180 का किससे कितना हो जाएगा, पिछली वीडियो में इसका इससे गुणा इससे भाग, तो वही सेम डायरेक्ट हम ऐसे कर रहे हैं। और किसी संख्या में प्रतिशत की कमी, जैसे 180 में मान के चलो 20% की कमी हो जाती तो कितना हो जाता, 20% की कमी, तो 80/100, 100 - % / 100, मतलब 100 - 20, मतलब 80 आएगा और 100। तो इस तरीके से हम इनको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 20% की वृद्धि मतलब 120/100, 20% की कमी मतलब 80/100, 30% की कमी मतलब 70/100, और वृद्धि मतलब 130/100। अब आप समझ गए होंगे। और किसी संख्या का 5% निकालना है, तो आपको पता ही है 8/10 का कितने, और 5% देखिए ये तो सब होगा, 8/10 का कितने प्रतिशत है। अब यदि एक और चीज, इसको सब आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो मैंने आपको पूरा बताया है कि पहले हम ये निकालते हैं कि हाउ मच परसेंट इज 8 of 10, हाउ मच परसेंट इज 10 of 8, दूसरा हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन और लेस देन वाला निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस लेकर के बेस वाले से भाग दे देते हैं, जैसे कि इसमें 8 से पूछा, से लगा होगा तो 8 से, का लगा होगा तो 8 से, 10 में का लगा है तो 10 से, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको करते हैं। परसेंटेज इंक्रीमेंट में बता दिया, 20% वृद्धि मतलब 120/100, 40% मतलब 140/100, 40% कमी मतलब 60/100, 100 में से 40 को घटाएंगे ऊपर उससे गुणा कर देंगे। और यदि पूछे के 120 का 40% निकालो, 120 का 40% ऑफ 120, तब आप सीधा 40/100 से गुणा करेंगे,
तब 140 से नहीं करेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, केवल 40% पूछ रहा है। मतलब 20 का 40% हिस्सा कितना होगा, तो आप इसमें सीधा 40/100 से गुणा कर देंगे। मान के चलो आपसे पूछ लिया 68% का 2% कितना होगा, तो 68% का 2% 2/100, 68% में 2% की वृद्धि तो 102/100। यदि आपसे ये पूछा 2% कितना है 68 का, तो सीधा 2/100। लेकिन पूछे 2% की वृद्धि तो 102/100, 2% की कमी मतलब 98/100। अब आप समझ गए होंगे किसी शहर की जनसंख्या है, मान के चलो उसका 4% निकालना, तो 4/100 से गुणा कर दो। वृद्धि हो रही है तो 104/100 से, कमी हो रही है तो 96/100 से। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को कंफ्यूज मत कर लेना, 120 का 40% पूछा है, वो अलग है कि 120 110 का कितना परसेंट है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन अलग है। सबकी यदि आपकी इमेज क्लियर हो चुकी है इन क्वेश्चन की, वैसे तो उसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ कठिन भी नहीं है, बट आपको उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान के चलो अब किसी शहर की जनसंख्या मान के चलो 500 है, मान के चलो पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 500 पॉपुलेशन। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बस केवल बोलूंगा मुंह से, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। मान के चलो पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है 500, फर्स्ट ईयर में उसमें मान के चलो 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, इस तरीके से वृद्धि होती जा रही है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक। तो कैसे कितने की फाइनल जनसंख्या अब कितनी हो चुकी है, तो पहले कितनी की हो रही है 10% की मतलब 110/100, फिर कितने की हो रही है 20% की तो मतलब 120/100, फिर कितने की हो रही है 30% की मतलब 130/100। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी 500 में मतलब जो पहले जनसंख्या 500 थी, अब इतनी वृद्धि, तीन लगातार वृद्धि होने का कितनी वृद्धि हो गई, ये आपकी सीधी निकल के आ जाएगी इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे। अब मान के चलो किसी शहर की जनसंख्या 800 है, पॉपुलेशन इज 800, 800 है मान के चलो, पहले उसमें 10% की वृद्धि हुई इंक्रीमेंट हुआ, फिर 20% का डिक्रीमेंट हुआ मतलब घट गई, फिर 10% का डिक्रीमेंट हुआ और फिर 10% का इंक्रीमेंट हुआ। मान के चलो ऐसे दे दिया उसने, पहले घटाना फिर बढ़ाना फिर घटाना फिर बढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं, 800 लिखो सीधा, फिर कितने की 10% की वृद्धि मतलब 110/100, ठीक है, फिर 20% की घटोतरी मतलब 80/100, ठीक है, घट गया ना 20% डिक्रीमेंट, फिर 10% का घटोतरी मतलब 90/100, और फिर क्या कह रहा 10% की बढ़ोतरी मतलब 110/100 इंक्रीमेंट। इस तरीके से जब आप उसको सोल्व कर लेंगे तो आपको जनसंख्या पता चल जाएगी ये कितनी आ रही है। जनरली कैलकुलेशन बेस्ड ही आपके स्टेनोग्राफर में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं और आपको आंसर दे देगी ये क्वेश्चन। इस तरीके से पूछा जाता है किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, पहले 10% की वृद्धि हुई थी 110/100, फिर 10% की कमी हुई तो 90/100, इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए मान के चलो बोलते शहर की जनसंख्या मान के चलो 700 है, पहले उसमें 10% की क्या हुई इंक्रीमेंट हुई और फिर 10% की क्या हो गई डिक्रीमेंट हो गई मतलब घट गया वो, तो वृद्धि हो गई मतलब 110/100 और घटोतरी हो गई मतलब 190/100। तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये 2 जीरो से आप ये 2 11 9 99 99 को गुणा सीधे 7 में कर दिया, तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले की सहायता से। इस प्रकार के प्रश्न में जनरली फॉर्मूला का प्रयोग कम ही करना चाहिए, शॉर्टकट्स भी होती हैं लेकिन वो शॉर्टकट्स भी उतना ही टाइम लेती हैं। आप फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी माइनस ए बी बटे सो या ए प्लस बी माइनस ए बी, तो वो भी उतना ही समय ले जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसको करने का। देखिए अगला है क्वेश्चन, वो इस तरीके से भी करता है कि एक व्यक्ति ने, मान लो एक पर्सन है, उसने अपनी आय का, अपनी इनकम का, अपनी आय का, एक पर्सन ने अपनी आय का 10% उसके पुत्र को या ना सन को दे दिया, ठीक है ना, 20% अपनी डॉटर को दे दिया, तो आप उसके पास 7,000 रुपए बचे, कितने बचे उसके पास रिमाइंडर 7,000 रुपए बचे, तो उसकी आय, तो उसकी इनकम बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो उसकी इनकम बताइए। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 10% पुत्र को दे दिया, सन को दे दिया, 20% डॉटर को दे दिया, अब उसके पास कितने रुपए बचे 7,000 बचे, तो उसके अगर ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का टाइप 1,
देखिए मैं केवल वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपकी रीजनिंग में पूछे जा सकते, सारे क्वेश्चंस कवर करने की हमें जरूरत नहीं है। 10% पुत्र को दे दिया, तो मान के चलो, माना मान लिया, हमेशा आय इसमें क्या मान ली मैंने, इसकी आय कितनी है 100 है, तो 10% और 20% सीधा सीधा पुत्र पुत्री को दे रहा है, तो टोटल कितना दे रहा है 30% दे रहा है। देखिए शॉर्टकट कैसे, पहले 10% दिया ठीक है ना, और फिर 20% उसी में से ही, उसी आय में से, बचे हुए का नहीं, याद रखना रिमाइंडर का 20% नहीं, आय में से ही 20%, मतलब 10% उसको दे दिया, 20% टोटल कितना दे दिया 30% दे चुका है वो टोटल। अब ये पूछ ले कि टोटल कितने परसेंट दे दिए दोनों को मिला करके, तो 30%, तो बचा कितना उस पर, 30% बेच चुका है तो कितना बचा उसका 70% बचा, मतलब उसमें से 100 में से कितना बचा केवल 70 रुपए बचा उसको, 70 रुपए। इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, यह मान के चलो उसकी आय को आप ये 100 नहीं मान रहे, तो आप उसकी आय को एक्स मान लो ठीक है ना, यदि आप एक्स भी मान लो तो भी काम हो जाएगा ठीक है, एक्स मान लिया तो आप उसके उस पास रुपए कितने बचे, उसके पास 70% बचे हुए, क्योंकि 10% वो पुत्र को दे चुका है, 20% वो डॉटर को दे चुका है, तो आप टोटल कितना बचा 30% दे चुका है, तो कितना बचा 70, उसके पास कितना रुपए बचे हुए हैं, ये 7000 रुपए बचे हुए, मतलब उसकी आय का 70% ही तो 7000 होगा, कैसे पता मुझे, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि 7000 रुपए बचे, मतलब 30% तो दे चुका है, तो आप कितना बचा है उसकी आय का, उसके पास 70% बचा है, तो आय का 70% कैसे निकालेंगे, उसकी आय मैंने 70 मान एक्स मान ली, तो 70/100, और यही क्या कह रहा है, यही तो 7000 रुपए है जो कि उसकी आय के 70% बचे, तो अब आप उसको सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, उसको काट दो 10000 रुपए उसकी आय हो गई, 10000 रुपए उसकी आय हो गई ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन को करता है, या फिर वो कभी कह देता है कि 10% पुत्र को दे दिया, इसी क्वेश्चन को यदि मैं और मॉडिफाई कर दूं, तो 10% यदि उसने अपने पुत्र को दे दिया, 20% डॉटर को दे दिया, 30% उसने अपनी सेकेंड डॉटर को दे दिया, अब उसके पास कितने रुपए बचे, 4000 रुपए बचे, तो उसकी आय कितनी थी, तो बस 10% दे दिया, 20% दे दिया, 30% कितना परसेंट कर चुका, 30, 20, 50, 110, 60% कर चुका, तो आप उसके पास कितनी आय बची है 40% आय बची हुई है, उसकी आय को मान लिया एक्स, कितनी बची है 40% बची है, यही 40% तो 4000 रुपए है, तो बस इसको अब आप सॉल्व कर देना, तो आपको आते ही होगा, जीरो से काट दिया, गुणा करके इधर से काट दिया, तो उसकी आय आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है रिमाइंडर में से इतने इतने परसेंट देता है, देखिए आप जरा ध्यान से ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए टाइप सेकेंड, अब इसी प्रश्न का टाइप सेकेंड, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% पुत्र को दे देता है, फिर बचे का, बचे हुए का 10% अपनी बेटी को दे देता है, देखिए उसमें क्या था, सीधा दे रहा था, इसमें बचे हुए का 10% दे रहा है, उसके बाद फिर बचे हुए का 20% अपनी मां को दे देता है, मॉम को दे देता है, मदर को दे देता है ठीक है ना, तो अब उसके पास कितने रुपए बचते हैं, मान के चलो अब उसके पास 500 रुपए बचे या 5000 बचे, तो उसकी इनकम क्या है, तो उसकी इनकम पूछ लेगा, आय पूछ लेगा। क्वेश्चन को आप, मैंने पूरा बोल दिया, एक व्यक्ति की आय का 20% उसने पुत्र को दे दिया, बचे हुए का 10% बेटी को दे दिया, और उसके बचे हुए का 10% देने के बाद 20% अपनी माँ को दे दिया, तो इस स्थिति में आप एक्स भी मान सकते हैं और 100 भी मान के, तो माना कि चलो उसकी आय कितनी है, माना 100 रुपए है उसकी आय, तो उसने 20% पुत्र को भी दे दिया, मतलब 100 का 20% कितना हुआ, निकाल लोगे 100 का 20% तो 20 ही होगा, तो आपके पास कितने पैसे बचे, अब वर्तमान में उसके पास कितने पैसे बचे 80 ठीक है ना, तो 20 रुपए वो खर्च, यहाँ पर आप लिखेंगे खर्च कितने कर चुका है, 20 रुपए खर्च कर चुका है ठीक है ना, अब उसके पास कितने रुपए बचे हुए 80, तो अब बचे हुए का 10%, मतलब इसका 10% वो अपनी बेटी को दे देगा, 80 रुपए का 10%, मतलब कितना हो जाएगा 80 का 10%, 10/100 मतलब 8 रुपए, अब 8 रुपए उसने और खर्च कर दिए, 20 रुपए तो वो खर्च कर ही चुका है, 8 रुपए और जुड़ गए इसमें, 8 रुपए और जुड़ गए, तो टोटल कितने खर्च कर चुका है वो 28 रुपए, तो 80 में से हम 8 भी घटा लें,
क्योंकि अब वो कह रहा है बचे हुए का 20% अपनी माँ को दे रहा है, बचे हुए का। तो जो 8 रुपए उसके पास उसने खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? 72। अब दोबारा कितने बचे उसके पास? 72 रुपए बचे, क्योंकि 28 रुपए तो वो खर्च कर रहा है। उसका 20% अपनी माता जी को दे रहा है, तो 20% इसका निकालेंगे जब आप, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, और 5 से आप 72 को काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 चौ 20, 5 चौ 20, मतलब 14.4 रुपए, 14.4 रुपए उसके और खर्च हो गए। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है, तो 14.4 रुपए और खर्च हो गए। तो अब इसको टोटल उसने पहले 20 रुपए उसको अपने किसको दे दिए, उसने मान के चलो 100 में से उसने 20 रुपए हमने निकाल दी पुत्र को दे दिए, 8 रुपए उसने अपनी बेटी को दे दिए, और 14.4 रुपए उन्होंने अपनी माँ को दे दिए। तो अब टोटल कितने दे चुका है? इस तीनों को आप जोड़ लें, कितना 20 और 8 28 और 14.4 को जोड़ेंगे जब आप, तो कितना आ जाएगा? 42.4। इतने रुपए वो दे चुका है 100 में से, इतना प्रतिशत वो दे चुका है। अब उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं? 5,000 रुपए बच रहे हैं, मतलब इतने रुपए तो दे चुका है, तो अब बचे कितने? तो आपको उसको 100 में से घटाना पड़ेगा, 100 में से आप उसको घटाएंगे कितने को? 42.4 को, ठीक है। 10 में से 4 गए 6 बचे, और यहाँ पे 9 में से 2 गए 7, और 10 में से 9 में 4 गए 5, तो ये 57.60% उसका रुपया है, और वही कितना है? 5,000 रुपए। देखिए ध्यान से आपको देखना है कि वही पैसे कितने हैं उसके पास? 5,000 रुपए है। क्यों? एक बार फिर से देख लीजिए, जब व्यक्ति क्या का 20% पुत्र को दे दिया, मतलब 20 रुपए दे चुका है, तो अब कितने बचे? 80। तो बचे हुए का 10% बेटी को दे दिया, तो 10% दे दिया मतलब 8 रुपए और दे दिए, तो मैंने 8 पहले 20 दे दिया, तो यहाँ ऐड कर ली 8, यहाँ ऐड कर दी कि 8 रुपए और दे चुका है। फिर कितने रुपए बचे हैं उसके पास? 72 रुपए बचे हुए हैं। अब इतना देने का 20% 20 पुत्री को 8, उसको 72 रुपए बचे हुए का 20% माँ को दे रहा, तो मैंने इसका 20% जब निकाला तो उसको काट करके, तो मैंने उसको काटा 14.4 बार काटा, तो इतने रुपए वो और दे चुका है। अब इतने रुपए वो दे चुका है, तो उसके पास मतलब 42.4%, क्योंकि 100 में से लिया है, तो 42.4% वो अपने घर परिवार वालों को दे चुका है। उसका बचा कितना? 57.60%। यही तो वो उसकी इनकम का 57.60% ही तो 5,000 है, तो उसकी इनकम मान के चलो कितनी रही होगी? एक्स, मैम तो अभी 100 मानी थी, लेकिन 100 है थोड़ी ना उसकी, यदि 100 रुपए इनकम होती तो उसके पास 5,000 रुपए बचते, मैंने एक आधार 100 माना है, तो मान के चलो एक्स है। और अब कितना बचा हुआ है? 57.60/100, और वही कितना है? 5,000। तो देखिए जी आपकी स्टेप जब रही, या आपको ये नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देखी होगी, 100 में से उसके पास कितने रुपए बचे? 57.60। तो मान के चलो उसकी इनकम कितनी है? एक्स है, तो एक्स में से कितने बचेंगे तब भी आप करेंगे तो 5,000 रुपए। तो दोनों तरीके से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम में, हम उसको करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन आप नोट करिए, एक व्यक्ति ने अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को दे दिया। एक पर्सन है, उसने 50% भाग किसको दे दिया? फिर पार्ट अपने पुत्र को दे दिया 50%, और 30% भाग पुत्री को देता है। देखिए अभी शेष बचे हुए का नहीं बोला, 30% भाग पुत्री को दे देता है उसने, सीधा दे रहा है वो। शेष राशि का 80% भाग, अब बोल रहा है रिमाइंडर जो राशि है, शेष राशि का कितना? 80% भाग ट्रस्ट को दे दिया। देखिए भाग किसको दे दिया उसने? ट्रस्ट को दे दिया। अब उसके पास कितने बचे हैं? अब बचे रुपए हैं उसके पास कितने? 16,000 रुपए बचे हुए, 16,000 रुपए बचे हुए। बताइए उसके पास प्रारंभ में इनिशियली उसके पास राशि कितनी थी? प्रारंभ में राशि, तो ये बात ध्यान देना। देखिए शेष राशि का 80% कह रहा है, तो अभी हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, तो माना कि उसकी कितनी है, मान लिया 100 है, लेकिन है नहीं है। यदि 100 रुपए होती तो 16,000 रुपए तो ही ना बचते उसकी, यदि तो मैंने मान लिया सोल्व करने के लिए, तो 100 में से 80% तो दोनों को दे ही चुका है, टोटल 80 रुपए तो वो दे ही चुका है, तो उसके बचे कितने हैं? उसके खर्च कितने हो गए? अपन ये देख लेते हैं सबसे पहले, 50 और 30, 80 तो ये दे ही चुका है वो, 100 में से 80 रुपए तो उसके खर्च हो चुके हैं, 80 नहीं बल्कि वो ज्यादा ही रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद बच कितने गए हैं? 16,000, हमें पता नहीं है, तो हम बाद में एक्स उसको मान लेंगे।
तो देखिए टोटल 80 बदल चुका है, ठीक है ना। तो शेष राशि अब उसके पास कितनी बची, यहाँ पर लिखेंगे शेष राशि 20 रुपए बची है उसके पास। खर्च तो उसके 80% हो चुके हैं, अब 20 रुपए ही बचे हैं उसके पास। उसमें से भी वो 80% ट्रस्ट को दे दिया उसने, तो 20 का 80% निकाल लेंगे, क्योंकि शेष कितने बचे हैं उसके पास 20 रुपए। इसमें से भी दे रहा है 50-30 तो दे चुका, 80 तो दे ही चुका, 100 में से 80 रुपए तो दान कर चुका। अब मुझे कह रहा है कि 20 रुपए बचे हैं, इनमें से भी 80% दे देता हूँ। तो इसका 80% कितना हो गया, 16 रुपए और दे दिए उसने, 16 रुपए उसके और खर्च हो गए। देखिए तो टोटल कितने रुपए खर्च कर चुका है 100 में से, समझ गए आप, 96 रुपए खर्च कर चुका है। क्यों, क्योंकि 80 तो यही दे दिया, तो बचा आप उसको मनी मन में भी कर सकते हैं, 50-30 80 तो दे चुका, 20 रुपए बचे हैं, 20 का 80% कितना हो जाएगा, साहब 16 रुपए और दे दिए। तो आप उसने 80 तो पहले दे चुका था, 16 भी दे चुका बचे हुए में से, तो कितने बचे उसके पास 96 रुपए। 96 रुपए वो सॉरी बचे नहीं, खर्च कर दिए उसने 100 में से 96। अब बचे कितने उसके पास, केवल 4 रुपए, मतलब 4% राशि बची है। तो मान के चलो उसकी अब इनकम कितनी थी एक्स, और उसकी एक्स की कितनी बची उसके पास 4%, और वही राशि कितनी है देखिए आप 16,000 रुपए। आप समझ गए होंगे कि वही राशि 16,000 रुपए है, ठीक है ना। तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो कितना हो जाएगा 16,000 × 100/4। जब आप उसको 4 से काट देंगे तो कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 4 लाख रुपए उसके पास, 4 लाख रुपए थे, इकाई दाई ठीक है, 4 लाख रुपए थे उसके पास, ठीक है। तो 4 लाख रुपए उसकी इनकम थी, जिसमें से वो 80% दे चुका था। अब आपसे पूछ लेता कि पुत्र को कितना दिया, तो आप निकाल लेंगे चार टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, 4 लाख, और पुत्र को कितना दिए 50, तो 4 लाख का 50% निकाल के पुत्र का कर देना। वो कहकर पुत्री को कितने दिए, तो इसी का 30% निकाल देना। वो कहेगा 80% भाग बचे हुए का, तो देखो 80% तो दे चुका, तो इसका 20% निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि बची हुई राशि क्या, शेष राशि, तो शेष राशि तो उसके पास 20% बची थी, उसका 20% निकाल के उसका 80% निकालेंगे, तब वो ट्रस्ट का भाग आ जाएगा। इसका आप क्या निकालेंगे, 4 लाख रुपए में से 80% तो दे चुका है, हाँ 4 लाख का यार 20% निकालेगा, क्योंकि वो तो 80 तो पुत्र पुत्री को चला गया, तो अब इसका कितना बचा है 20% का, लेकिन उसका भी 80%, शेष राशि कितनी है 20% बची है उसके पास, उसका भी कितना 80%, तब आपका ट्रस्ट का निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इस टाइप के बहुत ज्यादा पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में, आप देखे भी होंगे। देखिए, एक चुनाव में उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार हैं, दो कैंडिडेट्स हैं, दो उम्मीदवार हैं एक चुनाव में, ठीक है। एक उम्मीदवार को कितने मत मिले, 38% वोट्स मिले, ठीक है, और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वह कितने मतों से, 7200 वोट्स से हार गया, वो हार गया। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, नंबर ऑफ वोट्स बताइए। तो देखिए, एक को 38% वोट मिले, 100 वोटों में से 38 मिले, तो ऑब्वियसली बात है हारना तो उसका तय है। तो जब वो 100 में से उसको 38 मिले, तो सामने वाले को कितने मिले, ये जानना जरूरी है। इसको 100 में से 38 मिले, तो 100 में से आप 38 को क्या कर देंगे, 62 मिले उसको, 62, और इसको कितने मिले, 38 मिले। जीतने वाले को कितने मिले, 62, और इसको कितने मिले, हारने वाले को 38, क्योंकि यदि हारने वाले को 38 मिले तो जीतने वाले को, क्योंकि टोटल 100 वोट है और उसमें से 38 हारने वाले को मिले, तो वो हार ही गया और 62 वाला ही जीतेगा। तो 7200 वोटों से हार गया, मतलब यदि उसको इतने वोट और मिल जाते, 38% तो ये मिले और 7200 मिल जाते, तो वो जीत जाता, इसके बराबर हो जाता। मतलब इन दोनों का अंतर ही कितना है, जीतने और हारने वाले के वोटों में अंतर। जैसे कि मान के चलो टोटल 10 वोट है, 6 जीतने वाले को मिले, 4 हारने वाले को मिले, तो वो कितने वोटों से जीता, 2 वोटों से जीता ना, तो घटा के ही निकालते हो ना, इसका मतलब उसको 62 मिले, उसको 38, तो टोटल 62 में से आप 38 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये आपका 24% वोट। तो टोटल मान के चलो एक्स है वोट, मान के चलो, क्योंकि वोट तो एक्स ही होंगे, तभी तो 7200 से हार रहा है, 100 वोट तो नहीं रहे होंगे, 100 तो मैंने आधार माना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 24%
और कितना हो जाएगा? यही तो वोट कितने हैं, 7200, यही वो है वोट है 24% जो कि जीतने वाले को ज्यादा मिली, तभी तो उसके 62% आएंगे। जब आप इसमें 24 जोड़ देंगे तो 62 आ जाएंगे, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 32 72 और जो 30,000 वोटों की संख्या है, और आंसर भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 30,000। तो 30,000 इसका क्या हो गया बोलिए, आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज के आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जनरली लोग एक्स मान के करते हैं, मैं इसको सीधे ऐसे बताता हूँ, 100 में से 38 वोट, पहले 100 को आधार मान लो, फिर बाद में एक्स से उसका परसेंटेज निकाल के इसको बराबर इक्वेशन में रख दो, तो आपका सीधा आंसर निकल जाता है। देखिए एक टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, देखिए एक टीम ने 40 खेल खेले, एक टीम ने 40 खेल खेले, 40 खेल खेले एक टीम ने और 24 जीत लिए, 24 उसमें से जीत लिए, तो खेल जीते गए खेलों का प्रतिशत बताइए, जीते हुए खेलों का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ वन मैचेस। एक टीम थी उसने 40 प्लेस की, उसमें 24 में विक्ट्री उसको हासिल हुई, तो आपको पता ही है 24 बटे टोटल कितने 40 गुणा 100, ये तो आप निकाल ही लेते होंगे, 24 जीते टोटल कितने 40 में से कितने जीते 24, तो प्रतिशत निकालना, तो 100 में से कितने जीते होंगे, ऐसे कर लो, चाहे छोटे वाले को इधर नक्के बड़ा वाला ऐसे करते हैं, 500 में से 100 मार्क्स है तो 100 को ऊपर 500 को नीचे, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 24 = 40 = 60, तो जीते हुए खेलों का कितना प्रतिशत है, 60% वो गेम जीत चुका है, इसलिए आसानी से निकाल सकते हैं। मान के चलो आपसे वो ये बोल दे कि एक क्लास में 500 विद्यार्थी हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 4% बॉयज हैं, ठीक है ना, सॉरी 40% बॉयज हैं और 20% उसमें से टीचर्स हैं, ठीक है ना, और उसमें से 40% और 40% उसमें से गर्ल्स हैं, तो बताइए नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, तो आप उसका निकाल लेंगे बढ़िया आसानी से, 500 का कितना निकालना है आपको, 40% ये हम सीख ही चुके हैं, तो कितना आ जाएगा 200 कितनी हो गई गर्ल्स, बॉयज भी 40% है तो 200 ही बॉयज हो जाएंगे, 20% टीचर्स हैं तो 500 का 20% निकाल लेंगे तो 100 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम सीधा इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस है। किसी वस्तु के मूल्य में यदि 25% की वृद्धि हो जाए, इफ द वैल्यू ऑफ एनी यदि किसी वस्तु के मूल्य में इफ प्राइस ऑफ एनी आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 25% और तो उसकी खपत में कितनी कमी कर दी जाए, तो मतलब इसका जो प्रोडक्शन है, जो खपत हो रही है, सॉरी कंजप्शन है, जो उसका कंजप्शन हो रहा है, यदि उसमें कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, मतलब कितना परसेंट उसको डिक्रीट कर दिया जाए कि वस्तु की कीमत ऊपर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे, तो मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत मान के चलो 25% बढ़ गई मान के चलो, आप कुछ भी घी या तेल लेते हैं उसकी कीमत यदि 25% बढ़ गई, तो वो कह रहा है कि उसकी खपत में कितने जो आप खर्चा कर रहे हैं कितनी कमी कर दी जाए, जिससे कि आपका जो पहले खर्चा हो रहा था वो उतना ही हो, जैसे कि कोई चीज बढ़ गई, जैसे कि मान के चलो शक्कर 100 रुपए किलो मिल रही थी, अब यदि 120 रुपए किलो मिलने लगी, तो आपको खर्चा 100 रुपए का ही करना है, तो आपको शक्कर कितनी प्रतिशत कम खरीदनी चाहिए, ये उसका कहने का मतलब है। तो आपको केवल इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, कमी पूछ रहा है अंत में या वृद्धि पूछ रहा है, देखिए इसमें वृद्धि पूछ रहा है, इसमें कमी पूछ रहा है, तो इसकी आप इसकी ट्रिक बड़ी सिंपल है, इसको ज्यादा डिटेल में समझने की जगह इसकी ट्रिक पे जाइए आप, सीधे इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्या पूछ रहा है, कमी कर दी जाए, सबसे पहले तो आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि चेंज ना हो, उसकी कीमत चेंज ना हो, अपरिवर्तित रहे, उसकी होने वाली आय अपरिवर्तित रहे, या किसी कर्मचारी में मैं 20% कर्मचारी छोड़ के चले गए, तो ऐसा कितने घंटों की मात्रा बढ़ा दी जाए जिससे कि काम उतना ही हो पाए उतने समय में, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आए, कमी कर दिया, दो ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आप परसेंटेज को उतार लें सीधा का सीधा 25। अब आप ये देखें, ये तो हमेशा उतार नहीं है जितना प्रतिशत दिया हुआ,
कितने प्रतिशत की यदि कमी पूछी हो तो 100 में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे यदि कमी पूछी हो, यदि डिक्रीमेंट पूछा हो तो 100 में जोड़ेंगे, और यदि वृद्धि पूछी हो तो 100 में से घटाएंगे। लेकिन संख्या ऊपर की ऊपर ऐसी, इसमें कितना दिया हुआ है देखिए 40, तो इसमें क्या है घटाएंगे यदि क्या पूछी हो, वृद्धि पूछी हो, यदि वृद्धि पूछी हो तो आपसे इसमें क्या पूछी है, कमी पूछी है, तो आप क्या करेंगे 25 तो ऐसे लिखेंगे जो दिया हुआ है उसके बाद, और गुणा सो तो इसमें रहेगी, गुणा सो ये इसका फॉर्मूला आप सीधा याद कर सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, कोई 25, एक ही चीज दी हुई है क्वेश्चन में, तो 25 जोड़ेगी 125 और गुणा सो, तो यहां से आपके परसेंटेज, ये क्वेश्चन पूछ रहा कितने प्रतिशत की कमी निकल आएगी। इसी तरह इस क्वेश्चन में 40 बटे क्या पूछ रहा, वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि पूछ रहा है तो 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा गुणा सो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% की कमी आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 = 6, ये आ जाएगा आपका 200/3 यानी 66 सही, 2/3 प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो देखिए बड़े ही सिंपल क्वेश्चन, यदि आपसे प्रतिशत कमी पूछी जाए तो आप 100 में जोड़ेंगे, यदि प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए 100 में से घटाएंगे, घटाएंगे क्या जो नंबर दिया है, पहले उस नंबर को ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 में से घटाया या जोड़ करके इधर से 100 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, और भी यदि कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आऊंगा, अदरवाइज हम अगले टॉपिक को इस वीडियो में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए।